ये देखो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सेल्फ ट्राई करो, देखो सेल्फ होता है ये। द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल फ्रॉम 70 to 60। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वेरी फेमस। तो 70 से कितना कूलिंग हुआ यार, 70 से 60 कूलिंग हुआ। टाइम कितना लगा, 5 मिनट। चलो अच्छी बात, बहुत कम जल्दी कूल हो गया। और 60 से 54 हुआ, टाइम लगा 5 मिनट। नेक्स्ट 5 मिनट में द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अब यहाँ पर एक सराउंडिंग का टेम्परेचर भी होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैं 2 बार लगाऊंगा, एक बार मैं इसके लिए लगाऊंगा और एक बार मैं इसके लिए लगाऊंगा। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इसके लिए भी थीटा होता है और इसके लिए भी थीटा होता है, मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कॉन्स्टेंट है। तो मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एवरेज वाला इक्वेशन है, 2 बार लगाना है। तो टेम्परेचर थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई टाइम टी सम कॉन्स्टेंट के, थीटा 1 प्लस थीटा 2 टेम्परेचर फॉल और एवरेज माइनस थीटा नॉट एवरेज। दिस इज द इक्वेशन न्यूटन्स एवरेज कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एवरेज वाला इक्वेशन यही है, यही मुझे 2 बार लगाना है। चलो तो 2 बार अगर मैं इसको लगाता हूँ प्यारे बच्चों, तो मुझे फाइनल सोल्यूशन 2 बार लगाएंगे तो यह आ जाएगा 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा, जो कि हमें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 70 माइनस 60 दैट इज 10, इधर आ गया 2, इधर आ गया सम कॉन्स्टेंट के, दैट इज 60 120 130। ठीक है, 130 और ये 65 माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अच्छा सा इक्वेशन आ गया। इसको ऐसे ही रहने दो, यहीं पे रहने दो, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसी को मैं 2 बार लगाता हूँ, इसके में 60 से 54 तक लगाते हैं, 60 से 54। तो 60 माइनस 54 और डिवाइडेड बाई 5 सम कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 60 प्लस 54 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थीटा नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 60 माइनस 54 मतलब 6/5 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के और ये 60 130/57, तो ये आ जाएगा 57 माइनस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इसको नहीं 2 बोलो, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो हमें थीटा आ जाएगा। कर लोगे, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट सेकंड में डिवाइड कर दो, के कट जाएगा और थीटा को कैलकुलेट कर लेना, तो थीटा को कैलकुलेट कर लेना तो ये जाएगा 45 डिग्री। डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड कैलकुलेट थीटा, दैट इज 45 डिग्री। ये